हेलो दोस्तों, आज का ये लेक्चर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर से आपके ये मान के चलिए कि 30% क्वेश्चन इसी लेक्चर से पूछे जाएंगे। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके BTUP एग्ज़ाम में 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टरों का निचोड़ है गाई जी। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंक्रीट उत्पादन तथा कंक्रीट संक्रियाएं। कंक्रीट का उत्पादन हम कैसे करेंगे और उनकी सारी संक्रियाएं ऑपरेशन कैसे करेंगे, मतलब संघटक से लेकर के ला करके उसको कास्टिंग करने तक की सारी प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। गाइज, ये 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कंक्रीट का उत्पादन। कंक्रीट मिक्स निर्धारण के बाद कंक्रीट का निर्माण स्थल पर उत्पादन करना होता है। कंक्रीट की सामर्थ्य इसके संघटकों के अनुपातन तथा उत्पादन विधि पर निर्भर करती है। निर्माण स्थल पर कंक्रीट का उत्पादन इस प्रकार सुनिश्चित करना चाहिए कि समान सघनता की कंक्रीट कार्य पर लगातार पहुंचती रहे। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सामग्री का पर्याप्त भंडारण व कंक्रीट उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरणों की संतोषजनक व्यवस्था शुरू करने से पहले कर ली जाए। सभी महत्वपूर्ण कार्यों पर कंक्रीट संघटकों का मापन या बैचिंग भार अनुसार करना चाहिए और कंक्रीट मिलाने के लिए मिश्रक कुटाई के लिए कंपक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि सभी मटेरियल पहले मंगा लेना चाहिए और जो हमें मेजरमेंट करना चाहिए वो भार के अनुसार करना चाहिए, चाहे सीमेंट हो, चाहे एग्रीगेट हो, चाहे वाटर हो। ठीक है, उसके बाद कंपक का जरूर प्रयोग करना चाहिए, वाइब्रेटर का। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कंक्रीट उत्पादन के लिए आवश्यक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। टोटल 9 क्रियाएं दी गई है जिससे हम पूरा कंक्रीट बना के और उसकी कास्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है संघटकों का भंडारण करना। ठीक, जो हमारा एग्रीगेट होता है और सीमेंट होता है, इनका हम भंडारण कैसे करेंगे। दूसरा है घन मापन या बैचिंग करना। बैचिंग यानी मेजरमेंट करना है। सीमेंट को कैसे नापेंगे, नापना इसे कहते हैं। कंक्रीट का मिक्सिंग करना, परिवहन करना, कंक्रीट को बिछाना, कंक्रीट की कुटाई करना, कंक्रीट सतहों की संपूर्ति करना, तराई करना, कंक्रीट कार्य में जोड़ देना। तो ये 9 प्रोसेस हैं, इन्हीं को हम एक एक करके इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक, पहला है संघटकों का भंडारण करना। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको टोटली थ्योरी है। ठीक है, संघटक का भंडारण कैसे करेंगे इसको आप रीड कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं सीमेंट का भंडारण कैसे करेंगे। ये प्रोसेस है, आप इसको देखकर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और सीमेंट ये जान लीजिए 3 महीने में 20% ख़राब हो जाती है, सामर्थ्य उसकी कम हो जाती है 20%, 6 महीने में 30%, 1 वर्ष में 40%, 2 वर्ष में 50%। ये आपके SSC JEE का क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद गोदाम में सीमेंट का भंडारण कैसे करेंगे, ये आपके एग्जाम के दृष्टि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गोदाम में सीमेंट का भंडारण आप अच्छे से रीड कर लीजिए, एक एक इसके टॉपिक को अच्छे से रीड कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। निर्माण स्थल पर सीमेंट का भंडारण कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी आप रीड कर लीजिए। टोटली थ्योरी है गाइस, कुछ समझाने वाली चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, इसको केवल आपको एक बार रीड करना है बस। सीमेंट भंडारण का विकल्पन कैसे करेंगे, डिजाइन कैसे करेंगे सीमेंट भंडारण का। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है। अब मिलावों का भंडारण कैसे करेंगे, एग्रीगेट जो हमारी गिट्टी होती है और बालू होती है उसका भंडारण कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। मिलावे का भंडारण करने में सावधानियां कौन कौन सी बरतेंगे उसके बारे में बताया गया। एक एक टॉपिक करके अच्छे से रीड कीजिएगा आप इसको। ठीक है, देखिए 40 mm का भंडारण अलग है, 20 mm, 10 mm, 4.57 mm, सबका अलग अलग भंडारण है। पहला भंडारण हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा टॉपिक घन मापन या बैचिंग। बैचिंग यानी ये सब जो हम मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, वही है बैचिंग, मापन, घन, ये सब वही है। ठीक है, तो घन जो हमारा सीमेंट, एग्रीगेट, ये सब होते हैं, इनको मापने के लिए दो विधियाँ, आयतन के आधार पर मापते हैं, भार के आधार पर मापते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं, पहले आयतन के आधार पर, फिर ये पढ़ लीजिए आप आयतन के आधार पर कैसे मापते हैं। ठीक,
पहले सीमेंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। आयतन के आधार पर मिलावे का जो मेजरमेंट करेंगे, मापन बक्सा है मिलावे का, ठीक है, इसका कैसे करेंगे। भार के अनुसार घन का मापन कैसे करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। वीडियो रोक करके गाइस इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तोलक मशीनें कौन सी होती हैं, भार के अनुसार ये भी बैचिंग करती हैं, ठीक है। स्प्रिंग तोलक, प्लेटफार्म स्केल, व्हील बैरो स्केल, ट्राली द्वारा तोल बैचर, ये सारी मशीनें हैं, ठीक है, ठीक है। घान मापन संयंत्र या बैचिंग प्लांट, ठीक है, जो हमारा आरएमसी होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट, ये इसकी बैचिंग प्लांट कैसे स्थापित किया जाता है, इसके बारे में बताया गया। पानी का मापन कैसे करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कंक्रीट मिश्रण क्या होता है, ठीक है, मिक्सचर कैसे करेंगे कंक्रीट को, ठीक। तो कंक्रीट के संघटकों सीमेंट बालू गिट्टी को निर्धारित अनुपात में लेने के बाद अगली क्रिया इसको भली भांति मिलाने की है, ठीक। थ्योरी है तीनों चीज़ों को कैसे मिलाएंगे, इसी के बारे में बताया गया, सीमेंट बालू गिट्टी को आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। दो विधियां हैं, हस्त मिश्रण, मशीन मिश्रण, ठीक। उसके बाद कंक्रीट के हस्त मिश्रण के बारे में बताया गया है, ठीक है, टोटली थ्योरी है। जो हम कंक्रीट मिलाते हैं, आप पता होगा, आप साइट पे देखे होंगे कि आप एक फावड़ा लेते हैं और सीमेंट गिट्टी मोरंग सब डाल के उसको फावड़े से मिलाते हैं, एक चबूतरा बना होता, उसी के बारे में बताया गया है सब, ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। कंक्रीट की मशीन मिश्रण विधि, ठीक है। अब मशीन द्वारा, जैसे आरएमसी आता है मशीन द्वारा ना, वही आरएमसी मशीन द्वारा इसको हम क्या करते हैं, मिश्रण करते रहते हैं, ठीक, उसके बारे में बताया गया आपको, ठीक है। उसके बाद कंक्रीट मिश्रकों के लाभ, कंक्रीट जो मिश्रक होते हैं कौन कौन से उनके लाभ हैं, पानी कितना मिलाना चाहिए ये बताया गया है। उसके बाद कंक्रीट का परिवहन कैसे करेंगे, अब हमारी कंक्रीट बनके तैयार हो गई, ऑपरेशन ऑफ बेड कंक्रीट, गीली कंक्रीट को परिवहन कैसे करेंगे, ठीक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कंक्रीट को तैयार करने के बाद अगली क्रिया इसको मिश्रण स्थल से उठाकर निर्माण स्थल पर पहुंचाने की है। सीमेंट में पानी मिलाने के तुरंत बाद इसमें जलयोजन क्रिया शुरू हो जाती है और कंक्रीट सेट होने लगती है। कंक्रीट में पानी डालकर मिलाने, मौके पर पहुंचाने, बिछाने और कुटाई, ये सभी क्रियाएं साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट के 30 मिनट का अंदर संपन्न होनी चाहिए, ठीक है। ये सब कंक्रीट की परिवहन के बारे में बताएगा, कंक्रीट को हम बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक 30 मिनट के अंदर अंदर डाल देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपके BTOP एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि परिवहन विधियां, परिवहन ट्रांसपोर्ट की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, कंक्रीट ट्रांसपोर्ट हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो टोटल 10 विधियां इसमें बताई गई हैं, पहला है टोकरी द्वारा, दूसरा पहिया ठेला द्वारा, तीसरा बग्गियों द्वारा, और चौथा डंप ट्रकों द्वारा, और पांचवा ट्रक मिश्रक द्वारा, और छठवां चल पट्टे द्वारा, सातवां रज्जू पथ द्वारा, आठवां उच्च चालक द्वारा, नौवां ढालू पनाला सूट द्वारा, और दसवां पंप द्वारा, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं अच्छे से। ये टोकरी द्वारा कैसे कंक्रीट का परिवहन किया जाता है, इसके बारे में बताया गया, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए आप। पहिया ठेले द्वारा कैसे किया जाता है, बग्गियों द्वारा कैसे किया जाता है, डंप ट्रकों द्वारा कैसे किया जाता है, ठीक है, और ट्रक मिश्रक द्वारा कैसे किया जाता है, चल पट्टे द्वारा कैसे मिश्रण किया जाता है और पहुंचाया जाता है उसको कंक्रीट को, रज्जू पथ द्वारा, उच्चालक द्वारा कैसे कंक्रीट को पहुंचाया जाता है, ढालू परनाला सूट द्वारा कैसे पहुंचाया जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए। पंपन द्वारा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जब कंक्रीट काफ़ी दूर होती है और अटपटे स्थान पे होती है तो उसे हम पंप द्वारा पहुंचाते हैं, लेकिन पंप द्वारा कंक्रीट पहुंचाने से काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, तो हमें कंक्रीट जो है पंप द्वारा बहुत रियर कंडीशन में ही पहुँचाना चाहिए। अब कंक्रीट हमारी पहुँच गई, अब पांचवा जो है उसका प्लेसमेंट, बेड कंक्रीट, उसको बिछाएंगे और उसका स्थापन करेंगे, ठीक। कंक्रीट बिछाने से पूर्व सतह की तैयारी कैसे करेंगे, उसके बारे में बताया गया है।
जो हमारी स्लैब होती है, स्लैब की स्ट्रक्चरिंग अच्छे से हम कर लेंगे। ठीक, मृदा वाली सतह अगर है तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे, चट्टानी सतह है तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे, ईंट खड़ंजा व जलबद्ध मैकेडम सतह है तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे, कंक्रीट सतह, कंक्रीट को बिछाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे इसके बारे में बताया गया है। आप वीडियो रोक करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ठीक, फर्मों में कंक्रीट भरते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे। ठीक है, कंक्रीट की कुटाई या संघनन कैसे करेंगे, कैसे कुटाई की जाती है, दुरमुट, थापी, लंबी छड़, ये सब कैसे यूज की जाती है। दुरमुट का वजन जो होता है 4.8 kg का होता है। ठीक है, अब हम कंक्रीट को बिछा दिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, कंक्रीट को कुटाई कैसे करेंगे, कंपैक्शन कैसे करेंगे। तो कंक्रीट की कुटाई की दो विधियां हैं। ठीक है, पहला क्या है, हस्त कुटाई, दूसरा है यांत्रिक कुटाई। ठीक है, हस्त कुटाई के बारे में बताया गया है, विधिवत आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद यांत्रिक कुटाई जिसे हम वाइब्रेटर कहते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। और आपको एक बात बता दें, जो छत की मोटाई होती है वो 9 से लेकर 12.5 mm होती है, सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद यांत्रिक कुटाई के जो लाभ होते हैं वो बताया गया है, मतलब हस्त कुटाई ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, यांत्रिक जो वाइब्रेटर होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। कंपकों द्वारा संघनन के लिए उपयुक्त कंक्रीट कौन कौन सी है, कंक्रीट सतहों की संपूर्ति। अब हमारी कुटाई हो गई, अब फिनिशिंग करेंगे हम कंक्रीट को। अब फिनिशिंग करने के लिए जो ये गाथा लिखी है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, संपूर्ति यानी फिनिशिंग ऑपरेशन करने की 3 विधियाँ हैं, पहला स्क्रीडिंग द्वारा, गुरमाला समतल द्वारा, करनी समतल द्वारा। 3 तरीके से हम फिनिशिंग अपने कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टर हो, चाहे वो स्लैब हो, किसी भी कंक्रीट की फिनिशिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। ये गुरमाला है, इसका चित्र आप देख लीजिए, इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है, लंबाई 60 से 150 सेंटीमीटर होती है। और ठीक है, बीच में हैंडल होता है, समतल फलक ये है। ठीक, अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिए। ये करनी समतलन है, विशेष सतह संपूर्ति। ठीक है, इस स्पेशल फिनिशिंग, सरफेस फिनिशिंग, इसके बारे में आप रीड कर लीजिए वीडियो रोक कर। ये सब विशेष फिनिशिंग है। ठीक है, विशेष तरीके से इनको फिनिशिंग किया जाता है, घिसाई संपूर्ति द्वारा, ब्रश संपूर्ति द्वारा, बेल्ट संपूर्ति द्वारा, विशेष फिनिशिंग है। उसके बाद आता है, जब फिनिशिंग हो गई तो हमें कंक्रीट की तैयारी कर तराई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यूरिंग करना पड़ेगा, तो क्यूरिंग का क्या प्रोसेस है इसे आप पढ़ लीजिए वीडियो रोक के अच्छे से। ठीक ठीक है, देखिए, जो वास्तव में तराई सीमेंट की जलयोजन क्रिया को बढ़ाने का दूसरा नाम है, अगर हमें जो है जलयोजन क्रिया को बढ़ाना है तो हमें तराई करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे हमारे स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट की। ठीक, तो ये बताया गया है कि 7 से 14 दिन कब तराई की जाती है, 14 से 21 दिन कब तराई की जाती है, 28 दिन की तराई पर 90% सामर्थ्य कब पकड़ती है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई, आप इसको रीड कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तराई के उद्देश्य क्या क्या है, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट क्या क्या है, तराई के उद्देश्य क्या क्या है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछा भी जा सकता है। कंक्रीट तराई की विधियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में बताया गया है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि तराई कौन कौन सी विधियों से हम कर सकते हैं। तो पहली जो विधि है, कंक्रीट कार्य को ढाप कर। दूसरा जो है, कंक्रीट सतह पर टाट या बोरे लगाकर। ये ज़्यादा आजकल यूज किया जा रहा है, टाट या बोरे लगाकर, क्योंकि एक बार तराई करने से काफ़ी टाइम तक उसमें नमी बनी रहती है। ठीक है, और दूसरा है, तीसरा है पानी छिड़क कर, और चौथा है कंक्रीट सतह पर पानी भर कर, पाँचवा है जलरुद्धित झिल्ली लगाकर, और छठवां है भाप द्वारा तराई करके। ठीक है, जो कंक्रीट सतह पर पानी भरकर बात की गई है चौथे की, ये हम स्लैब में ज़्यादा यूज करते हैं, छत में। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं कंक्रीट कार्य को ढाप कर कैसे तराई करेंगे। ठीक है, कंक्रीट सतह पर टाट बोरे लगाकर कैसे तराई करेंगे, कंक्रीट पर पानी छिड़क कर कैसे तराई करेंगे,
कंक्रीट सतह पर पानी भर कर कैसे तराई करेंगे, जैसा कि हमने बताया था स्लैबों में यूज किया जाता है। जल रुद्धित झिल्ली या यौगिकों की परत लगाकर कैसे तराई करेंगे, ठीक है। भाप द्वारा तराई कैसे करेंगे, ये सब एडवांस है। कंक्रीट की तराई की अवधि क्या होगी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि कितने दिन तक तराई करनी चाहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तराई ताप का तापक्रम कितना होना चाहिए, तराई का तापक्रम इसमें नीचे दिया गया 27 प्लस माइनस 2 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में पूरी कंक्रीट तैयार करके उसको ढलाई करके कास्टिंग करके उसकी तराई करके पूरा प्रोसेस समझ गए हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो है 8वां चैप्टर कंक्रीट के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।